उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को घेर लिया। विपक्षी दलों ने विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया। CAA, नागरिकता कानून और NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने स्पीकर को वापस जाने को लेकर नारेबाजी भी की। साथ ही इन्होंने सरकार के खिलाफ पोस्टर लेकर विरोध जताया। आपको बता दें कि आज यानी 13 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत हुई। बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सपा सदस्यों ने विधानसभा में राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। सरकार को वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करना था, लेकिन बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर लिया। विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश में CAA और NRC के विरोध में प्रदर्शनकारियों के साथ कथित रूप से पुलिसिया कार्रवाई के बाद हुई घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही विपक्ष ने प्रस्तावित NRC को भी मुख्य मुद्दा बनाया। आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी CAA और NRC का विरोध देखा जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में करीब 2 महीनों से इन दोनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार नागरिकता संशोधन कानून CAA को संविधान विरोधी बता रही हैं। मालूम हो कि नागरिकता कानून में पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 2014 के बाद भारत आने वाले शरणार्थियों में गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। विपक्षी दलों ने इसे धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाला कानून बताया है। धर्म के आधार पर नागरिकता देना सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। वहीं कानून की आलोचना करने वालों का कहना है कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि के खिलाफ है। CAA में पड़ोसी देश से आए जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने की बात कही गई है। CAA के खिलाफ विरोध अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में देखा जा सकता है। इन लोगों का मानना है कि NRC के सहारे इन लोगों की नागरिकता जा सकती है, जो कि CAA में केवल अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें NRC में नागरिकता खोने के बाद दोबारा नागरिकता नहीं मिलने का डर सता रहा है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।